अंदर ड्राइवर बैठा है, कार के अंदर ड्राइवर बैठा है, लेकिन दोनों तो अलग है ना। अगर आप पेट्रोल पंप के पास जाकर के डीजल डाला तो क्या कार के अंदर के ड्राइवर के पेट में जाएगा? नहीं ना। अगर ड्राइवर कार के अंदर रोटी खा रहे तो क्या कार के डीजल टैंक में वो भरता है क्या? नहीं ना। तो ब्रह्म भोजन कौन का है? शरीर का है, आत्मा का है? शरीर का है, लेकिन किसके प्रेजेंस में खाया? बाबा के साथ में, आत्मा के प्रेजेंस में, है ना। एक बात आपको समझाना चाहता हूं, ब्रह्मा भोजन का मतलब होता है दुख भंजक भोजन। क्या भोजन? दुख भंजक भोजन। अगर किसी की जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, तो ब्रह्मा भोजन खाने से उसका मन कठिनाइयों से दूर हो जाता है। इसीलिए कईयों को, संपर्क में रहने वालों को भी बाबा के घर में बुला के खास ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। इसलिए हम सभी कितने लकी हैं जो परमात्मा हमको अपने प्यारे बच्चों को क्या खिलाते हैं? ब्रह्मा भोजन